इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में हड़ताल के चलते देशभर के 3 लाख डॉक्टर अस्पताल में आज ओपीडी की सेवाएं नहीं देंगे, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए ने यह हड़ताल नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल 2019 के खिलाफ बुलाई है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह बिल मेडिकल फील्ड के लिए सही नहीं है, इसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये जो स्ट्राइक हो रही है ये मुख्यतः एनएमसी बिल को लेकर है। हम इस बिल के प्रोटेस्ट में नहीं है, जो इसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं, हम उसके विरोध में यहाँ पर आज बारिश में भी सब लोग, पूरे एमबीबीएस, पूरा पीजी, पूरा यूजी, पूरे एसआर सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो बिल लाया गया है ये एंटी स्टूडेंट और एंटी पुअर बिल है। एंटी पुअर बिल ये ऐसे इसमें किया गया है, जैसे इसमें फीस रेगुलेशन की जो बात की गई है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और बाकी के 50% उनको फ्री हैंड दे दिया जाएगा। अगर उन्हें फ्री हैंड मिलता है तो जो डोनेशन नीड से पहले होता था वो अब फिर से शुरू हो जाएगा। और इससे यह चीज़ होगी कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार है वो आगे नहीं आ पाएगा। लोग पैसे से मेडिकल की सीट को खरीद लेंगे, उनकी बोलियां लगेगी। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर किसी को यहाँ आने का मौका मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, किसी कोई भी इंसान हो, हर किसी को एक बराबर मौका मिलना चाहिए। और ये जो कमेटी बनाई गई है इन्होंने एनएमसी एमसीआई डिसॉल्व करके, एमसीआई में सभी डॉक्टर्स थे लेकिन ये जो एनएमसी की कमेटी है इसमें 25 लोग हैं और 25 में से 5 डॉक्टर्स हैं, बाकी के 20 मनोनीत होंगे। अब ये जो नॉमिनेटेड लोग होंगे ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स होंगे और वो ब्यूरोक्रेट्स हमारी मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो 5 डॉक्टर्स हम चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ा के कम से कम 50% उस कमेटी में डॉक्टर्स होने चाहिए, तभी हमारी मांगे पूरी होंगी। और जो फीस का मुद्दा है, सारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस गवर्नमेंट रेगुलेटेड होनी चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ब्रिज कोर्स का मुद्दा है, इसमें आयुष के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, वो उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो यहाँ आके एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करें। आप ये बताइए, भारत में जो मेडिसिन है वो बहुत पहले से है, बहुत पहले से आयुर्वेदा से भी लोग सही होते हैं। हम चाहते हैं उनकी फील्ड को आप आगे बढ़ाइए, आयुर्वेदा को और डेवलप कीजिए, यूनानी को और डेवलप कीजिए, होम्योपैथी को और डेवलप कीजिए, ताकि लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एलोपैथी से सही नहीं होती, जो कि आयुर्वेदा से भी सही हो जाती है। हम ये चाहते हैं उनकी आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जो यूनिकनेस है, उसको डिस्ट्रॉय ना करें। सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पर पूरे एनएमसी बिल के विरोध में नहीं है, पर उसके कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जैसे कि ब्रिज कोर्सेज हैं, 6 मंथ्स के डिप्लोमा के बाद आप एलोपैथी मेडिसिन दे पा रहे हैं। यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं फॉर 1.5 ईयर, तो उस चीज़ का क्या यूज़ हुआ अगर हम यहाँ पे 1.5 साल तक फार्मा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें राइट मिलता है 5.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स के बाद हम प्रिस्क्राइब कर पाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, पर वो होम्योपैथिक कोर्स करके या आयुर्वेदिक कोर्स करके अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे तो ये तो जनता के लिए भी हानिकारक है और मतलब सोसाइटी के लिए ही ये नुकसान है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।